तो भाई आज पहला अपना चैनल का जो वीडियो है वो अपन ने शूट कर लिया है। ओए होए देखो जरा इसको, मतलब ये ओरिजिनल इंजन है नीचे। टाइम हो रहा है सुबह के 6 और हाँ बैक टू बेसिक, मतलब मेरे को डॉक्टर ने कहा है कि भैया काम में लग जाओ चुपचाप से, अगर दिमाग नहीं लगाना है इधर उधर तो मैं लग गया हूँ काम पे। सुबह सुबह आ गया शूट पे ये वाली कार लेके, तो बहुत ही स्पेशल कार, बहुत ही डिफरेंट। ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्टकट में दिखाऊँगा, पर इस कार पर करीब 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 10 लाख रुपये की एसेसरीज लगी हुई हैं। 10 लाख रुपीज़, इट्स नॉट अ जोक। दिस इज़ AMG C43 AMG, जिसको अपन ने कन्वर्ट करके ऑलमोस्ट C63 AMG से भी ऊपर कर दिया है। लेट मी शो यू द कार। तो कार का फोटोशूट चलते हुए शिवम बड़े डेडिकेशन से लगे हुए हैं, कैमरे के अंदर घुसे हुए पूरे, ना स्माइल ना हेलो ना हाय। हेलो हाय तो कर दो भाई। और ये इनकी तो नींद ही पूरी नहीं हुई बेचारे को, ऐसे ही उठा के ले आया मैं। हैं आके देखो इसकी आँख लाल हो रही, आँखें लाल हो रही है। लाल ही कर दूंगा मैं एडिट करके। सो गाइस दिस इज C43 AMG, जिसको अपन ने कन्वर्ट कर दिया ऑलमोस्ट C63 AMG से भी ज़्यादा खतरनाक। मतलब अगर इस नीचे के रियर डिफ्यूज़र की बात करूँ तो दिस इज़ ऑल कार्बन फाइबर विद बीच में एक फ्लैशी सी लाइट, एंड साइड में यहाँ पे ये कार्बन फाइबर के वेंट्स, कार्बन फाइबर का ही स्पॉइलर देखो कितना गजब का लग रहा है, बिल्कुल एक नंबर और ख़तरनाक सा लग रहा है। और कार हो चुकी है थोड़ी सी लाउड, मतलब इसमें एग्जॉस्ट भी लग चुका है। एंड यहाँ पे व्हील्स देखो, मतलब व्हील्स पे अपन ने AMG की स्टिकरिंग कर दी है, और साइड के जो मिरर कवर्स है ना इस पर भी कार्बन लगा दिया है। पर गाड़ी की स्पेशल जो चीज़ है ना वो शुरू होती है आगे से, मतलब मे बी शायद आपने इंडिया में कभी देखा भी नहीं होगा, कार्बन फाइबर ट्रांसपेरेंट हुड। ओए होए देखो ज़रा इसको, मतलब ये ओरिजिनल इंजन है नीचे जो दिख रहा है पूरा क्लियरली विजिबल है, एंड बिलीव मी क्या गजब का लग रहा है, मतलब सुपर आई कैची, कोई भी इसको देखेगा तो मज़ा आ जाएगा। और ये आगे का पूरा बम्पर चेंज है, यहाँ पे डिफ्यूज़र लगा हुआ है, लग रही है कुछ स्पेशल, कुछ डिफरेंट, मतलब बिल्कुल डिफरेंट लग रही है। और बोलते बोलते मेरी सांस फूल चुकी है बिकॉज ऑफ दिस। तो एक्चुअली होता क्या है कि ऑक्सीजन की जगह अपन कार्बन डाइऑक्साइड वापस इनहेल करने लग जाते हैं, और जब मैं ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल रहा होता हूँ तो फिर ब्रीदिंग इश्यूज। कैसी लग रही है? लग रही है अच्छी। तो एक काम करो, थोड़े से सिनेमेट देखो, उसके बाद चलते हैं इसकी ड्राइव। कार के सबसे पहले मैं कर रहा हूँ मोड्स चेंज, तो ये आ गया डायनेमिक, कम्फर्ट, स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स प्लस। तो अपन चलाएंगे स्पोर्ट्स प्लस पे, और कार के अंदर ये वाले जो वेंट्स है ना ये भी अपन ने चेंज कर दिए हैं। तो यहाँ के जो कलर्स हैं एम्बिएंट लाइट के वो भी अपन चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है AMG, और ये आ गई कार भाई, लुकिंग सो स्पेशल यार, बहुत ही प्यारी लग रही है, सनरूफ भी बहुत ही अमेजिंग, और ये जो रेड कलर की सीट बेल्ट है ना इससे तो और भी ग्रेस आ रहा है कार के अंदर। हाँ भाई तैयार तैयार, चलो। तो ये कार एक्चुअली जो इंजन स्पेसिफिकेशन है दैट इज 3 लीटर V6 बायटर्बो इंजन, और ये प्रोड्यूस करती है कार 385 BHP ऑफ पावर। 385 BHP गाइस बहुत ज़्यादा पावर होती है, मतलब अगर कंपनी से स्टॉक की बात करें तो बहुत ही खतरनाक। तो एक बार छोटा सा ड्रैग लेंगे, ये अपन निकल ली 0 और लेट्स गो। इसके पेट में कुछ हुआ हुआ कुछ पेट में हुआ, घबराहट होने लग गई। तो ये बहुत ही जबरदस्त गई है, देखो ओ तेरी, पटाखे मार रही है, पटाखे कितने खतरनाक मार रही है, देख रहा है। मजा ही आ गया। तो फुल आई कैची गाड़ी, एंड पकड़ के बैठ गया वो बंदे। ओ भाई, ओ भाई, खतरनाक।
बहुत ही जबरदस्त. सो गाइस दिस इज मर्सिडीज C43 AMG एंड मजा आ गया. मतलब बहुत बहुत डिफरेंट. 385 bhp का जो पंच है ना, और जो स्पेशली गियर शिफ्ट पे पटाखे मार रही है, ये बहुत ही खतरनाक मार रही है. मजा आ गया चला के. मतलब डिफरेंट चल रही है एंड एक्चुअल में अच्छी चल रही है. अच्छा, सबसे ज्यादा मजा पता है इस कार में क्या आ रहा है कि मतलब जहां पे भी मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ ना, वहीं से ही एक्सीलरेट करना चालू कर देती है गाड़ी. मतलब जबरदस्त है यार, एक नंबर चल रही है. इतना मजा आ रहा है चलाने में. मतलब इसको देख के ना फीलिंग आ रही है कि भाई अब चुपचाप से मुझे कार पे सेटल होना चाहिए और मुझे कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स कार टाइप या एक ऐसी कार लेनी चाहिए जिसमें पावर बहुत होती है. मामू लोग खड़े हैं. अरे मामू लोग हमें क्या कह रहे हैं? गाड़ी को देख. हेलो मामू. मामू देख रहे हैं ये फोन में. चलो भाई एक बार और ट्रैक करेंगे. और ये मैंने की धीरे और ये ली. आज मतलब मॉर्निंग बन गई अपनी. सुबह सुबह मतलब ना जो एक एक्साइटमेंट होता है ना वो बिल्कुल हो गया शुरू. गुड मॉर्निंग हो गई. गुड मॉर्निंग हो गई सीरियसली. सुबह सुबह हुई थी बैड मॉर्निंग. 4 बजे उठ के अंदर बैठ के ज्यादा पटाखे सुनाई दे रहे. वो अंदर बैठ के इसलिए सुनाई दे रहे क्योंकि हवा की आवाज नहीं आ रही. कैमरा नहीं संभाला यार लड़के से. हेलो. कैमरा तो संभाल लो पहले, अपने आप को संभाल लो. ये भी काम नहीं कर रही. इतनी पावर है इसके अंदर. बट फन यार, दिस इज फन. अरे ये जो गियर शिफ्ट का झटका रहा है ना ऐसे खतरनाक. तो ये गाड़ी है तन्मय भैया की. तन्मय भैया थैंक यू, आपने मेरे को इस पे व्लॉग करने दिया. और हम कभी भी किसी कार पे अगर शूट करते हैं तो पहले ज़रूर पूछ लेते हैं कि कार किसकी है, क्या है और क्या चला सकते हैं या नहीं चला सकते. तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैं किसी भी गाड़ी पे व्लॉग कर लेता हूँ. नहीं, ऐसा नहीं है. अगर अपनी ऑटो बेस्ड की गाड़ी है तो दैट मीन्स कि अपनी खरीदी हुई गाड़ी है उस पर अपन व्लॉग कर सकते हैं. एंड अगर ऑटो मार्क पे कोई भी कार आती है तो दैट इज़ अ कस्टमर्स कार, तो पहले हम ज़रूर पूछते हैं कि हाँ भाई व्लॉग करना है या नहीं करना है. दिस इज़ ब्यूटिफुल कार. मतलब बहुत ही प्यारी तैयार हुई है. एंड सीरियसली बताऊँ तो मज़ा आ गया चला के. मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक ऐसी कार ले लूँ और फिर आप लोगों के साथ घूमने में और भी मज़ा आएगा. टाइम हो गया 6:30 और अपन बिल्कुल फ्री हो गए. वैसे सुबह हम निकले हुए हैं करीब करीब कितने, 5 बजे के आसपास. हाँ 5 बजे निकले थे, उठ गए तुम 4:30. 4:30 बजे. तो 4:30 बजे उठ गए और पूरा काम खत्म कर लिया. आज का काम एक्चुअली खत्म हो चुका है और हम आ गए यहाँ पे पराठे खाने के लिए. भाई यहाँ पे वैसे पराठे वाले बड़े फेमस हैं. लाइन नारायणा विहार के फ्लाईओवर के नीचे हूँ और यहाँ पे पराठे वाले ऐसे लाइन में है, लाइन में. तो ये पूरी रात खुले रहते हैं, सबसे अच्छी बात है. मैं ऑल्दो खैर रात को बहुत ही कमाया हूँ यहाँ पे, बट सुबह सुबह जब हम शूट के बाद वापस आ रहे होते हैं तो नॉर्मली कोशिश ये होती है कि पराठे खा ही लें. अब ये मैंने आज मास्क खरीदा है 24/7 से और एक्चुअल में यार स्पॉन्सरशिप नहीं है बट ये मास्क बहुत अच्छा है. मतलब ज़बरदस्त मास्क है. एक तो मोटा भी है, एक अच्छा भी है और सबसे बड़ी बात है कि बड़ा कंफर्टेबल है. मतलब मेरे कानों में ना यहाँ पे चुभ नहीं रहा है. चुभ रहा भी नहीं, गर्मी भी नहीं लग रही. गर्मी भी नहीं लग रही ना, चुभ भी नहीं रहा. बोल रहे हैं ना जब सांस फूल ले थोड़ी, वैसे ठीक है. एक्चुअली थोड़ा सा मोटा है, ज़्यादा बोल रहे हैं तो थोड़ी सी सांस फूल रही है, बट एक्चुअल में अच्छा मास्क है. तो आज थोड़ी शेव वेव भी ठीक कर लेते हैं. अजीब सी हालत हो रही है मेरी थोड़ी सी, तो हालत को आज थोड़ा सुधारते हैं. और कहीं चलते हैं आज, कहीं चलते हैं, कहीं तो चलेंगे. तो ये जितने भी ये पसीने आ रहे हैं ना मेरे को, ये पसीने इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कार में एसी काम नहीं कर रहा है.
और हालत ख़राब हो चुकी है, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे दम घुटने लग गया है। जाकिर मतलब पसीने पसीने आ रहे हैं, टी शर्ट उतार के बैठे। और हाँ भाई कैसे हाल चाल है? पीठ गीली हो रही है। बढ़िया भैया, बढ़िया। पूरी पीठ गीली हो रही है? कोई नहीं, नहीं आ रहा, बस खाली पीठ ही है ना। ऑलमोस्ट वैसे मैं वर्कशॉप पहुंच गया हूँ और इसको ठीक कराते हैं भाई। आज तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और हो जाता है यार, पुरानी गाड़ी है, 2009 मॉडल है, छोटा मोटा कुछ ना कुछ होता ही रहता है इसमें। और कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पता है क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि नई कार अगर मैं लेता और उसकी किस्त पड़ता ना, तो उसकी किस्त इससे पता नहीं कितनी ज़्यादा होती। जब फर्क पड़ता है, जब बहुत फर्क पड़ता है भाई। तो गाइस मैं वर्कशॉप पे पहुंच गया हूँ, काफ़ी देर हो गई, काफ़ी सारे काम भी निपटा दिए हैं। एंड काम निपटाते निपटाते अब अपनी गाड़ी का टाइम आ गया है कि उसको अपन देखें, चेक करवाएं कि एसी में क्या प्रॉब्लम है। वैसे यहाँ पे खड़ी है हायाबुसा जो अपनी है, अपनी मतलब प्रनीत भैया की, तो वो भी अपने फैमिली मेम्बर जैसे ही है। और यहाँ पे खड़ी है एक लेजेंडर, लेजेंडर पे कन्वर्ट फॉर्च्यूनर, तो शोर थोड़ा ज़्यादा है, कांट हेल्प। ये खड़ी अपनी आइटन और चेक करवाते हैं कि एसी में क्या प्रॉब्लम है। तो आज तो यही मशीन लगाएंगे गाड़ी। वैसे मुझे आता है कुछ भी लगा दूँ भाई। तो ये लग गया महंगा वाला सौदा। सनी भी आज लग गए खुद काम में। मेरी बाइक, मेरी कार का पाइप फाड़ दिया आपने? फाड़ ही दिया, सही में फाड़ दिया। तो पाइप भी फाड़ दिया भाई। रुको पहले ये समझेंगे हम। हाँ ये समझाओ, पहले समझाना पड़ेगा। ये क्या है? किसी की गैस, कितनी गैस है? नहीं है अभी, है या नहीं है? है, इसमें कम है। कम है? ये क्या है? हाई प्रेशर। ये क्या है बताइए? ये ऐसा ही तरीका होता है कि कुछ मत बताओ और बस काम करते चले जाओ, है ना? ऐसा ही होता है ना? वो है जो अंदर गैस का टैंक प्रेशर है, वो है। ये क्या है? ये हाई प्रेशर होता है गाड़ी का, कभी अगर बैक प्रेशर खराब हो उसके लिए। तो क्या है पोजीशन, क्या है? गैस कम है आपकी, गैस रिचार्ज कर देते हैं। और लीक तो हो रही होगी ना, तभी तो कम हुई होगी। टॉप ऑफ करनी है सर नॉर्मली, वो तो रनिंग में कम हो जाती है। रनिंग में कम हो जाती है? पेट में प्रेशर बन गया इसके, कम हो गई। हाँ बेटा डाइजेशन खराब हो गया तेरा। अब हम इसको डालेंगे ऑटो मोड पे। ऑटो मोड पे? अच्छा ये ऑटोमेटिकली भर भी देगी गैस? यस। ओ सीरियसली? अब ये पहले रिकवर करेगा, वैक्यूम हो गया, फिर दोबारा गैस चार्ज करेगा तो फुल हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा इसमें? 20-25 मिनट। तो फिर तो मैं अपनी गाड़ी लेके चला जाता हूँ। ये पाइप का क्या करोगे जो फाड़ दिया आपने? कोई नहीं, कर देंगे, नहीं लगा देंगे। मैं नुकसान कर दिया, देखो एक्सीडेंट में आती है गाड़ी, मेरा पाइप भी फाड़ दिया गाड़ी का। बड़ी गलत बात है वैसे, ये पैसे लगेंगे इसके। टर्बो एक्सट्रीम नाम का पाइप है ये। दिखाओ पेन लेके, फटाफट लिखे इसके ऊपर। कॉफ़ी आ गई है, अच्छा रिकवर हो रही है। है इसमें वापस आ जाएगी, फिर वैक्यूम होगा, फिर जितनी कम है इसके अंदर हमने सेट कर रखा है, इतनी ग्राम गैस जाती है, 440 ग्राम ग्राम। अच्छा, तो वो उतने बाद वापस अपने आप रिस। ओके, ये होता है महंगा सौदा। तो ये अभी जो काउंट आ रहा है ये 150 है, ये रिकवर हो रही है अपनी गैस, मतलब इसमें से भी वापस इसमें आ रही है। तो ये होनी चाहिए 440, तो ये 440 होनी चाहिए। पहले रिकवर होगी, फिर वैक्यूम होगी, फिर दोबारा 440 डलेगी। अगर गैस ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम है, कम हो तो भी प्रॉब्लम है। शोर का मैं कुछ नहीं कर सकता, बहुत शोर हो रहा है यहाँ पे, बेयर कर लो थोड़ा सा। 160 ग्राम थी खाली बस, जो 440 होनी चाहिए थी, तभी हम गर्मी में मर रहे हैं। आज तो कैसे आया हूँ मैं यहाँ तक, मेरे को ही पता। सनी भी है गैस स्पेशलिस्ट, हर जगह गैस छोड़ के आते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ भर भी देते हैं। बोलो, ये रिकवरी के लिए कंप्रेसर ऑयल, रिकवरी के लिए, और ये फ्रेश ऑयल डालने के लिए कंप्रेसर ऑयल। तो ये गैस जब पूरी ख़त्म हो जाती है, पूरी लीक हो जाती है, तो पुराना ऑयल इसमें आ जाता है, नया यहाँ से भर जाता है। और वैसे अपनी कार में पूरी लीक नहीं थी, और लीक वैसे भी नहीं होती है, राइट? धीरे धीरे कम हो जाती है बस। उसमें बोरिंग होते हैं, जैसे विंटर में एसी यूज़ नहीं होता, तो उसमें धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, ड्राई होने के बाद बोरिंग ड्राई हो गई, गैस लीक हो जाती है। ओके, तो वैसे नॉर्मली एसी हर साल कराना चाहिए सर्विस? सर्विस एयर तो कम ना। अच्छा, मैंने तो जब से लीक कराई नहीं। गैस टॉपअप की रिक्वायरमेंट रह जाती है, हर 2-3 साल में गैस टॉपअप की रिक्वायरमेंट आती है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने जब से लीक कराई नहीं। रनिंग में भी धीरे धीरे गैस
बोरिंग है, हल्की हल्की गैस ठीक हो जाती है। अच्छा, नॉर्मली इसके क्या चार्जेस होते हैं? चार्जेस ज़्यादा रहते हैं शोरूम हमारे बहुत पैसे चार्जेस रिगार्डिंग बॉस से सही टॉक टू बॉस भाई कौन से बॉस से बात करूँ तो ये आ गया UAC 6, मतलब ये 7 मिनट तक ये करेगा और 20-25 मिनट इसमें टोटल लगते हैं। तो भाई यहाँ हो रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, अंदर चलते हैं, इसको होने देते हैं, आके फिर चेक करेंगे कि AC का काम हो गया या नहीं। तो फाइनली मैं निकल चुका हूँ वर्कशॉप से और इसका AC ठीक हो गया। सबसे अच्छी बात है कि AC अब ठीक है। हाँ भाई ठीक है, एकदम मजा है ना, मजा आ रहा है ना। हाँ जी भाई साहब, अब तो मजा आ गया, अमेजिंग लग रहा है अब तो। अरे जल्दी लग रहा जन्नत में। मुझे तो लगा पीछे से नाना पाटेकर बोलेगा ना माटेकर। अरे बहुत मजा आया मेरे भाई जान, बहुत मजा आया। ऐसा ऐसी जैसे कि पता ही नहीं क्या हो गया है, अच्छा लग रहा है। ये देखा, ये स्पेशलिटी है इसकी। तो अभी ये कुछ और दिखता रहेगा धीरे 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 ये अपने रंग में आएगा। अभी तो क्या ये रंग में आया नहीं है अपने, नया नया आया अभी। तो भाई आज पहला अपना चैनल का जो वीडियो है वो अपन ने शूट कर लिया है, जो जल्दी ही आने वाला है चैनल पे, मतलब मनी गेम पे। तो थैंक यू गाइस फॉर दिस मनी गेम। इस पे आप जितना सपोर्ट कर रहे हो वो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। 33,600 सब्सक्राइबर्स, मतलब अपनी फैमिली इस पे हो चुकी है मनी गेम पे। एंड आई एम रियली एक्साइटेड, रियली 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 एक्साइटेड कि इस पे नया वीडियो आने वाला है। तो ऑलरेडी हमने एक गेम खेल लिया है, जो हमने खेला है अश्विन भाई के साथ, अश्विन टकियार के साथ। तो इस पे जैसे ही वीडियो आ जाएगा उनके चैनल पे भी आपको दिख जाएगा। अगर उनका चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अश्विन टकियार के नाम से जाके सब्सक्राइब कर लो। तो जिन्होंने इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाके कर लो, क्योंकि अपन इस पे बहुत सारे पैसे बांटने वाले हैं इन अ फन वे, मतलब मज़े करते हुए पैसे डोनेट करने वाले हैं अच्छे तरीके से। और अगर जिनको नहीं पता है उनको बता देता हूँ कि मेरी लाइफ टाइम इनकम 42,50,000 रुपीज़ है टर्बो एक्सट्रीम से, जो मैंने कमाई है वो अपन इस मनी गेम पे कम्प्लीटली डोनेट करने वाले हैं थोड़े डिफरेंट तरीके से। वो तरीका ऐसा है कि मतलब इतना डिफरेंट है कि शायद ही कभी किसी ने किया हो। तो गाइज अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 10 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।